हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 Academy में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि रीजनिंग का 70% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना मध्य प्रदेश का भी जल्दी जल्दी से कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाए। दोस्तों, तो रीजनिंग के कुछ दिन तक वीडियो भी आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहाँ 45+ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको रिवाइज करिए। और दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश के जो प्रमुख अभयारण्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान यह थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टॉपिक है, 2-3 क्लास लग जाएंगी दोस्तों, लेकिन ये 2-3 क्लास पढ़ने के बाद सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एमपी ये स्पेशल है, यहाँ पे एमपी के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात, यह प्रश्न उठता है दोस्तों कि सर, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किस बुक से पढ़ा जाए, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा मिलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, किसका डेटा हम सही माने। ठीक है ना, ये सभी समस्या हमारे साथ भी दोस्तों में समस्या होती थी। तो इन सब समस्याओं से आपको बचने के लिए A3 एकेडमी पे ट्रस्ट करना होगा। आप जा करके कहीं से भी उसको मिला लीजिएगा, कहीं से भी वेरीफाई कर लीजिएगा, जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो डेटा यहाँ पे एग्जैक्ट लिखाया जाएगा वह एग्जाम से ऑथेंटिक होगा 100%। ठीक है ना, तो आप चेक कर लीजिएगा जो पुराने पेपर होंगे, या गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, सेम आंसर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के, पहले स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय उद्यान। आज राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि मध्य प्रदेश के मैप में ये कहाँ है। तो आज नॉर्मल इसका ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू क्लास आगे रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, सर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। कुछ किताबों में 10 मिलती है, कुछ किताबों में 11 मिलती है, कुछ किताबों में 12 मिलती है। कई जगह तो ऐसा बोला गया है मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जल्दी से बताइए। तो 12वां राष्ट्रीय उद्यान कई बुक्स में ऐसा मिल जाता है, किसको बता दिया जाता है, जो अभी नया बना है शिवपुर में। ठीक है ना, देखिए, लेकिन आपको बता दूं, आज की दिनांक तक ये डेटा एग्जैक्ट है दोस्तों, मतलब आज जो डेट है, कौन सी डेट है आज, तो आप बोलोगे सर आज कौन सी डेट है, बोलोगे सर आज 22/8/2020। आज 22/8/2020 तक मध्य प्रदेश में अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा दोस्तों, दिमाग में बैठा लीजिएगा, 11 है। कितने राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, 11 है। 11 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में मध्य प्रदेश में आज की डेट तक हैं, ये लिख लीजिएगा दोस्तों। कहीं पे 12 मिलता है, कहीं पे 10 मिलता है, उसको धोखा मत खाइएगा, 11 राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, कुछ बुक्स में 12 बताता है, कुछ बुक्स में 13। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले आप इन 11 को समझिए, उसके बाद दो प्रस्तावित हैं दोस्तों, वो प्रस्तावित हैं, अभी बने नहीं हैं दो, तो उनको भी काउंट कर लिया जाता है एक। तो एक आपको बता दूं, 10-11 तो ये हो गए। अगर बात करते हैं दोस्तों 12वें की, तो जो दो प्रस्तावित हैं, तो एक अगर बात करेंगे 12वां, तो 12वां आपको मिलेगा ओमकारेश्वर। कौन सा मिलेगा, ओमकारेश्वर, कहाँ पे, खंडवा पे। तो ये 12वां प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। उसके बाद देखिए जो 13वां है, तो ये भी एक प्रस्तावित है, ये कौन सा है, पन्ना तो एक है, पन्ना टू नाम से दूसरा प्रस्तावित है। तो ये दो राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है, लेकिन अगर एग्जाम में आता तो आप लगाओ कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 हैं, ये याद करिए रखिएगा। अब चलिए हम इन 11 को थोड़ा सा आज देखते हैं कि मध्य प्रदेश में इनकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा क्रम से पढ़ेंगे दोस्तों, क्रम से। तो सबसे पहले देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नंबर एक कौन सा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे लिखते हैं, नंबर एक में कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर कान्हा, कौन सा आएगा, कान्हा राष्ट्रीय, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगर इसकी स्थापना की बात करें, राष्ट्र
तो आप बताओगे सर 1955 में, डेट पूछेगा तो आप बता देना 1 जून। डेट कब बता दोगे? 1 जून। आगे डिटेल में कान्हा के बारे में हम पढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो नंबर एक यहाँ पे लिखा है, नंबर एक, नंबर एक ये कौन सा जिला पड़ता है? आप बोलोगे सर मंडला। तो याद रखिएगा मंडला और बालाघाट पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, चूंकि हम पढ़ते हैं केवल मंडला, तो अगर पूछेगा ये है कहाँ पे, तो आप बताओगे पहला ऑप्शन मंडला। लेकिन अगर मंडला और बालाघाट ऑप्शन में दोनों हैं, कभी कभी पेपर में क्या दे देता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक मंडला, ऑप्शन नंबर दो में क्या दे देगा, ऑप्शन नंबर दो में दे देगा मंडला व बालाघाट, नंबर तीन में दे देगा आपसे बालाघाट, और नंबर चार में दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लगाओगे मंडला व बालाघाट, याद रखिएगा। तो कई बुक्स में केवल मंडला बस लिखा रहता है, लेकिन मोस्टली ज्यादा भाग किसका आता है, तो आप बताओगे मंडला, उसके बाद बालाघाट। तो लोकेशन क्या बताओगे आप, पहले मंडला ही लिखोगे, अगर ऑप्शन में बालाघाट नहीं है, मंडला बस पेपर में मिलता है, तो आप लगा के आ जाओगे मंडला, ठीक है ना, मंडला, क्योंकि ज्यादा भाग मंडला में, तो मंडला प्लस बालाघाट में पड़ता है, ठीक है ना, मंडला प्लस बालाघाट। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, अभी केवल हम ब्रीफ कर रहे हैं दोस्तों, उसके बाद डिटेल में हम राष्ट्रीय उद्यान को क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे, अभी आपको केवल लोकेशन मैप के थ्रू याद करवाई जाए। तो पहला कौन सा बना था 1955 में, आप बता दोगे सर पहला बना था कान्हा। दूसरा देखिए, आप याद कैसे रख सकते हो इसको, तो देखिए याद कैसे रख सकते हो, इधर का दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, अब इसको याद कैसे रह सकते हो, देखो बहुत लोग भूल जाते हैं, तो याद रखिए कान्हा, कान्हा मतलब कृष्ण भगवान, और पचपन याद रखिए, पचपन को याद रिलेट करिए बचपन, तो कान्हा जी ने बचपन में तो बहुत सारी शरारत की है, तो पचपन से याद रखिए, बचपन कब शरारत की थी, बचपन में, तो कान्हा पचपन को बचपन से रिलेट करके याद रखिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है देखिए वो कौन सा है, आप देखोगे यहाँ पे कौन सा राज्य, कौन सा जिला पड़ता है, इसलिए जिले वाली क्लास अगर आपने देखी है तो आप बता दोगे यहाँ पे शिवपुरी पड़ता है, तो शिवपुरी जिले में पड़ता है कौन सा, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा बोलोगे सर, माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिएगा, बार बार नहीं लिखते, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो आप बोलोगे सर यह है शिवपुरी में, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है शिवपुरी में, इसकी स्थापना कब हुई थी आप बताओगे सर 1958। तो क्रम से आपको इसी तरह याद रखना है, तो पहले 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा देखोगे 1958, तो क्रम से आपको याद रखें। अब देखिए कृष्ण भगवान, कृष्ण का दूसरा नाम माधव भी है, देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, तो माधव, तो पहले 55 में कान्हा, कान्हा से क्या है माधव, तो पहले 55 में 3 ऐड किया आपने 58, तो 58 में कौन सा आता है माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है, शिवपुरी पे है। डिटेल दोस्तों इनकी हम आगे देखेंगे, अभी केवल इनकी लोकेशन और स्थापना कब होती, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब देखिए तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो देखिए तीसरा और चौथा साथ में पढ़ेंगे, इनकी स्थापना हुई थी 1968 में, दो राष्ट्रीय उद्यान तीसरा और चौथा, तो देखिएगा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान आप लिख लीजिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा आप बोलोगे सर, बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा कौन सा था आप बोलोगे जीवाश्म, जीवाश्म या इसी को फॉसिल भी कहते हैं, ठीक है ना, इसी को जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, इसी को फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों जीवाश्म और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान एक ही हैं। तो अगर बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बोलोगे सर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बोलोगे सर उमरिया में है, कहाँ है आप बोलोगे सर उमरिया में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आप बोलोगे सर डिंडोरी में है, कहाँ है आप बोलोगे सर डिंडोरी में है, डिंडोरी में है। इन दोनों की स्थापना कब हुई थी 1968। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि पहले मध्य प्रदेश के पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1 जून 1955 में होती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, 55 याद रखिएगा बचपन मतलब कान्हा, ठीक है। उसके बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो सर 3 साल बाद यानी कि 1958 में कौन सा आता है भाई, कान्हा का दूसरा नाम माधव है, तो माधव,
आता है 1958 में, 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे स्थित है, शिवपुरी में स्थित है। 58 के बाद क्या बोलोगे सर, डायरेक्टली 10 साल चले जाइए तो 58 10 68 में चले जाते हैं, तो 68 में दो होते हैं, कौन कौन से, तो आप बोलोगे सर 68 में दो राष्ट्रीय उद्यान है, पहला कौन सा है, आप बोलोगे सर दो, 68 में दो राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं, कौन कौन से, तो आप बताओगे सर बांधवगढ़ जो कि उमरिया में है और जीवाश्म जो कि डिंडोरी में है। जीवाश्म को फॉसिल भी कहते हैं, याद रखिए फॉसिल भी कहते हैं, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। तो ये दोनों कब बनते हैं, 68 में, तो ये क्लियर है इतना, तो चार राष्ट्रीय उद्यान हमारे क्लियर हो गए। कौन कौन सा क्रम से, तो देखिए पहला हो गया हमारा कान्हा जो कि 55 में बना, दूसरा हो गया माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि 58 में, 58 से 10 साल बाद दो बनते हैं, 10 साल में दो बनते हैं, कौन कौन से, आप बोलोगे सर एक बनता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि पड़ता है कहाँ पे, आप बोलोगे सर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में पड़ता है, दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में पड़ता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, चार राष्ट्रीय उद्यान हो गए, अब पांचवा राष्ट्रीय उद्यान देखिए, फिर 10 साल के बाद डायरेक्टली कहाँ जाओगे, 11 साल बाद, 10 के बाद देखिए पहले 55 से 58 तीन साल गए, तीन साल के बाद फिर डायरेक्टली कितनी गए, 10 साल, तो 10 साल में कहाँ है 68, अब 68 से डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे, तो 68 से डायरेक्टली आप चले जाओगे 11 साल, 10 के बाद 11 साल, तो 1969, तो पांचवा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आप बोलोगे कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भोपाल में है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, भोपाल में है, याद रखिए कहाँ है, बीपीएल, ठीक है, रखिए भोपाल में है, भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भोपाल में, इसी को सर्प उद्यान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्प उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी आप बताओगे, 1979 में, तो पांचवा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया, वन विहार। अब आगे देखते हैं दोस्तों छठा राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए छठा राष्ट्रीय उद्यान और सातवां राष्ट्रीय उद्यान, देखिए छः और सात, तो यहाँ पे दो बनते हैं, देखिए सात में है, छः और सात, आप कॉमन देखेंगे जहाँ पे दो दो राष्ट्रीय उद्यान बनेंगे, वो दोनों अगल बगल बने थे, तो ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो। देखिए ये जस्ट अगल बगल है, जैसा आपने देखा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ये कौन सा था, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, दोनों देखिए जस्ट जुड़े हुए अगल बगल हैं 1968 में। उसके बाद ये दोनों देखो छह और सात में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कब बने थे, 1981 में। तो याद रखिएगा छठा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लिखिएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, छठवां में कौन सा आ जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, पन्ना जिले में ही है, पन्ना जिले में है। वहीं अगर बात करेंगे सातवां की, तो सातवां कौन सा है, तो आप बोलोगे संजय डुबरी, कौन सा, आप बोलोगे संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, सीधी और सिंगरौली में। तो ज़्यादा आप पेपर में ऑप्शन आपको क्या मिलने वाला है, सीधी मिलने वाला है। तो ये दोनों की स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलोगे सर 1979 में, तो हुई थी किसकी, वन विहार जो भोपाल में है, उसके दो साल बाद 1981 में। अब देखिए 81 में कौन से बनते हैं, दो, पन्ना, यहाँ पे पन्ना है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और सातवां कौन सा है, आप बोलोगे सर संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए इन दोनों में आप कैसे याद रख सकते हो भाई, देखिए 81 ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक में रिलेट कर सकते हो, 81 भाई। पन्ना क्या करता है, अब आप देखिएगा ये कौन सा है, आप बोलोगे सीधी, भाई कोई सीधा पन्ना ना पढ़ के उल्टा पन्ना पढ़ेगा भाई, पन्ना याद रखिए पन्ना और सीधी, सीधा पन्ना, कोई सीधा पन्ना पढ़ना चाहिए ना, तो सीधा पन्ना ना पढ़ के अगर कोई उल्टा पन्ना पढ़ेगा तो क्या आ गया, एक हंसी आ जाएगी, मुस्कान आ जाएगी कि भाई पेपर पढ़ना नहीं आता तो क्या करते, उल्टा पन्ना क्यों पढ़ रहे हो। तो ऐसे आप याद रिलेट कर सकते, बस हमें एग्जाम में क्लिक होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा, सर पहला राष्ट्रीय उद्यान था 1955 में जो कि कौन सा था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, उसके तीन साल बाद बनता है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम कहते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है 1958 में। उसके बाद 1958 के 10 साल बाद डायरेक्टली हम जाते हैं तो दो बनते हैं, 10 साल में दो बनते हैं,
कौन कौन से बनते हैं? तो आप बोलोगे सर 10 साल में दो बनते हैं, एक बनता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया में है, दूसरा बनता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में है। उसके बाद 10 साल के बाद डायरेक्टली कब बढ़ोगे? 11 साल। तो 1968 से डायरेक्टली आप जाओगे कहाँ पे? 10 साल बाद। तो क्या आ जाएगा? 1979। 1979 11 साल आ गए, 1979 यानी 1979 में कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि कौन सा था? पचमा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? भोपाल में है। ठीक है, इसके फिर दो साल बाद, इसके दो साल बाद के भोपाल के बाद दो साल गए तो क्या आता है सन 1981। 1981 कब? जब कोई सीधा पन्ना ना पढ़ के उल्टा पढ़ेगा। तो सीधा पन्ना मतलब सीधी और पन्ना, तो देखिए पन्ना हो गया छठा राष्ट्रीय उद्यान, सातवां हो गया कौन सा? सीधी। सीधी वाला कौन सा? सीधी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा है? संजय डुबरी। इतना क्लियर है। इसके अब दो साल बाद जाएंगे, अब 81 के फिर दो साल बाद जाएंगे 1983 में। तो 1983 में दो साल बाद हम जाएंगे, देखिए दोनों यहां पे भी अगल बगल हैं। तो याद रखिएगा आठवां राष्ट्रीय उद्यान ये वाला आठवां है जिसे हम क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे सर आठवां जो राष्ट्रीय उद्यान, इसको यहां पे मिटा देते हैं दोस्तों। चलिए आठवां यहां पे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप बोलोगे सर पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आप बोलोगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। कहाँ पे है? आप बोलोगे सर छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा में है। नाइन्थ की अगर बात करेंगे, नाइन्थ नंबर में, तो आप बोलोगे सर नाइन्थ नंबर ये हो गया, नाइन्थ नंबर ये हो गया कौन सा? तो आप बोलोगे सर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आप बोलोगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करें तो मोस्टली आता है होशंगाबाद, होशंगाबाद में। अब देखिए यहाँ तक हो गया कौन सा? होशंगाबाद। अब आते हैं 1983 तक की कहानी, यहाँ से हो गई क्लियर। अब आते हैं टेंथ नंबर में, तो ये भी इजी है डायरेक्टली। दसवां राष्ट्रीय उद्यान, तो दसवां तो याद रखिएगा 2010, तो दसवां दस में बनता है 2010 में। इसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आप बोलोगे सर धार में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे सर 2010 में, तो दसवां 2010 में। अब आता है लास्ट राष्ट्रीय उद्यान गेरवा, तो गेरवा कौन सा है? आप बोलोगे सर शिवपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? शिवपुर, इसी को नाम क्या? पालनपुर। गेरवा नंबर कौन सा? पालनपुर, पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिवपुरी नहीं, शिवपुर। कहाँ पे? ये शिवपुर है, ये वाला शिवपुर। कौन सा है? आप बोलोगे सर शिवपुर, शिवपुर। इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 14 दिसंबर 2018, 14 दिसंबर 2018। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना क्लियर है फिर बताइए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान गेरवा है, पालनपुर कूनो भी इसका पूरा नाम मिलता है, पालनपुर या पालनपुर कूनो। तो यहाँ तक ये गेरा राष्ट्रीय उद्यान है। अब दो जो बारहवां प्रस्तावित है दोस्तों, बारहवां प्रस्तावित है वह कौन सा है? ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर प्रस्तावित है, तो कभी ओमकारेश्वर को कई बुक में काउंट करके राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितना बता दिया गया है? 12। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब जो 13वां प्रस्तावित है पन्ना दो, पन्ना दो पन्ना में स्थापित है, फिर प्रस्तावित है, तो ये आपको याद करके रखना है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या देखा? हमने देखा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 11 है, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1 जून सन 1955 में हुई थी, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, ठीक है ना। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
ये बात याद रखिएगा। दूसरा उसके 3 साल बाद यानी 55 के दो 3 साल बाद क्या आते हैं 58। तो कृष्ण का दूसरा नाम क्या है माधव, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। कहाँ पे है आप बोलोगे सर शिवपुरी में। फिर उसके 10 साल बाद जाओगे 58 के 10 साल बाद तो 68, तो 68 में क्या होता है आप बोलोगे सर 68 में दो राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं 10 साल बाद, कौन कौन से, तो आप बोलोगे सर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहला हो गया, दूसरा हो गया कौन सा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, उसी को फॉसिल भी कहते हैं। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, तो आप बोलोगे सर उमरिया में है। वहीं अगर बात करते हैं कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है डिंडोरी में, इतना क्लियर है। 68 के बाद 5वें राष्ट्रीय उद्यान पे जाएंगे 10 साल के बाद, कितने साल बाद कूदना है हमें 11 साल, तो 11 साल 68 में 11 साल जोड़ेंगे कितना आएगा 1979 मतलब 1979, तो 1979 में 5वें राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। किस राष्ट्रीय उद्यान की, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे स्थित है भोपाल में। उसके बाद 2 साल, ठीक है ना, 1979 के जस्ट 2 साल फिर हमको जंप करना है, तो कब क्या डेट आता, क्या कौन सा सन आता है आप बोलोगे सर 1981। 1981 में क्या होता है आप बोलोगे सर 1981 में दो राष्ट्रीय उद्यान और बनते हैं। भाई एक हंसी आती है, कब एक हंसी आई थी, जब भाई उल्टा पन्ना पड़ रहा था, जबकि उल्टा नहीं पढ़ना सीधा पन्ना पढ़ना है, तो सीधा पन्ना क्लियर हो गई। तो कौन कौन सा आप बोलोगे सर पन्ना, मतलब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981, और दूसरा कौन सा था जो अगला था वह कौन सा था आप बोलोगे सर सीधी वाला कौन सा कहलाता है आप बोलोगे संजय डूबरी। तो याद रखिएगा 6वां हो गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, और 7वां कौन सा हो गया आप बोलोगे सर 7वां जो था वह संजय डूबरी था। कहाँ पे है, तो पन्ना वाला पन्ना में, संजय डूबरी सीधी में है, ठीक है ना। अब इसके 2 साल बाद कब आएगा 1983, तो 1983 में फिर दो बनते हैं, कौन कौन से, तो आप बोलोगे सर एक तो बनता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम क्या कहते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, कहाँ पे स्थित है, तो आप बोलोगे सर छिंदवाड़ा में स्थित है। वहीं अगर अगले की बात करेंगे तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ स्थित है आप बोलोगे सर होशंगाबाद में स्थित है 1983। अब 1983 में 9 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके, डायरेक्टली हम जाते हैं कहाँ 2010 में, 2010 में कितना, 2010 में 10वां राष्ट्रीय उद्यान बनता है जिसका नाम क्या है आप बोलोगे डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है धार पे। उसके बाद आप जाओगे कहाँ डायरेक्टली इसके 8 साल बाद यानी कि 2018 में 14 दिसंबर, ये आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि रिसेंटली में नया बना था अभी साल दो साल पहले, तो बोलोगे डेट भी इसकी पूछ सकता है। तो 14 दिसंबर 2018 को कौन सा बना है पालनपुर कूनो यहाँ पे लिख लीजिए, पालनपुर कूनो, तो पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान बनता है, कब बनता है 14 दिसंबर 2018 को। इतना क्लियर है जल्दी से बताइए। चलिए आगे चलते हैं। इतना क्लियर, दो प्रस्तावित है ओमकारेश्वर और पन्ना 2, ये जैसे बन जाएंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी अब बोलोगे सर इनकी संख्या हो जाएगी 13, ठीक है। चलिए अब आज हम देखते हैं अगला, अब देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेते हैं। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था आप बोलोगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो इधर लिखते चलता हूं आपको जो फैक्ट होंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, हेडिंग लिखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर बात की जाए दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि भारत का और एशिया के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एशिया के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, एशिया के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। वहीं अगर बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, कान्हा का क्षेत्रफल आप क्या बताओगे क्षेत्रफल, कई बार पेपर में पूछा गया तो आप क्षेत्रफल लिखोगे 940 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल कई बार पेपर में पूछा गया तो याद रखिए 940 वर्ग किलोमीटर। अब थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं, आपको नहीं मिलेगा दोस्तों
तो आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पेपर में पूछा भी गया, थोड़ा सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो 1879 में पहली बार इसे जीव वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? वन आरक्षित क्षेत्र। सन 1879 में सर्वप्रथम कान्हा को वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। उसके बाद देखिए सन 1897, डेट ऐसे याद रखनी, देखिए 9 को इधर, 18 तो सेम है, बस इन दोनों डिजिट को चेंज कर देना है ऐसे। तो देखिए 9 इधर आ गया, 7 इधर चला गया। तो याद रखिएगा 1897 से सन 1910 तक, सन 1897 से सन 1910 तक अगर बात करें तो यह क्या था? अंग्रेजों का शिकार स्थल था। कान्हा अंग्रेजों का क्या था? तो आप बोलोगे सर अंग्रेजों का यह क्या था? शिकार स्थल, शिकार स्थल था। दिख रहा है इधर? अंग्रेजों का शिकार स्थल था। हाँ दिख रहा है। क्या था दोस्तों? आप बोलोगे सर अंग्रेजों का शिकार स्थल था, शिकार स्थल था। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले आप बोलोगे अगर अंग्रेज जब थे भारत में तो वहां पे कान्हा का अगर बात की जाए जिक्र, तो 1879 में पहली बार कान्हा को वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। उसके बाद 1897 से 1910 तक यह अंग्रेजों का क्या था? शिकार स्थल था। उसके बाद अगर बात की जाए तो 1911 में इसे क्या घोषित किया गया? अभय वन। क्या घोषित किया गया? आप बोलोगे सर अभय वन, अभय वन नाम से इसको संबोधित किया गया, मतलब इसका नाम कर दिया गया अभय वन। 1911 में इसे क्या कर गया? अभय वन घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अभय वन घोषित कर दिया गया। कब तक? तो आप बोलोगे सर 1911 से ये कहानी कब तक चलती है? 1933 तक। फिर 1933 में याद रखिए 1933 में क्या किया गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को? क्या किया गया? आप बोलोगे सर 1900 राष्ट्रीय उद्यान में इसे अभ्यारण्य, क्या घोषित किया गया? अभ्यारण्य घोषित किया गया। क्या किया गया? आप बोलोगे सर इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। उसके बाद क्या हुआ 1933 के बाद? आप देखोगे डायरेक्टली 1955 में, तो डेट पूछेगा तो आप बोलिएगा सर 1 जून 1955 को क्या किया गया इसे? आप बोलोगे सर इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों इसमें? आप बोलोगे सर 1973-74 में कान्हा को क्या किया गया? आप बोलोगे इससे इस पे टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया। क्या किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1973-74 में। तो ये इतिहास था, कैसे कैसे चेंजेस आए। तो सबसे पहले आप बताओगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो आप बताओगे सर मंडला व बालाघाट। याद रखिएगा मंडला प्लस बालाघाट, मंडला प्लस बालाघाट में आता है राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की बात करते तो 940 वर्ग किलोमीटर। अब इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, कान्हा की इतिहास की, तो 1879 में वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया अंग्रेजों द्वारा। फिर अंग्रेजों द्वारा ही सन 1897 से 1910 तक क्या था? अंग्रेजों का यह शिकार स्थल था, मतलब यहाँ अंग्रेज शिकार करने के लिए जाते थे, जीव जंतुओं को मार के घर लाके बना के पका के खाते थे। उसके बाद क्या हुआ भाई, जीव धीरे धीरे विलुप्त होने लगे।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें चलती रहीं, तो फिर क्या किया गया 1911 में इसे अभय वन घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? अभय वन उसका नाम कर दिया गया 1911 में, जो कि कब तक रहा 1933 तक। फिर 1933 में इसे अभयारण्य घोषित कर दिया गया, तो याद रखिएगा अभयारण्य घोषित कर दिया गया। फिर कब तक रहा आप बोलोगे 1955 तक। फिर 1955 को 1 जून 1955 में जब हमारा देश आजाद हो गया तो क्या किया गया 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। जब 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया, फिर टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ पूरे देश में, उसके अंतर्गत टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भी स्टार्ट किया गया। कब? 1973-74 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पहला अगर पूछता है अभयारण्य, तो आप बोलोगे पहला अभयारण्य कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य। पहला मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य भी बनता है कौन? कान्हा। पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन बनता है? कान्हा। वहीं अगर बात करें पहले टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में चालू की गई, तो अब बताओगे कान्हा। तो तीन प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते हैं मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य, तो अब बताओगे मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य कौन बना? आप बोलोगे पहला अभयारण्य बना कान्हा। उसके बाद पूछते हैं मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो आप बोलोगे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? बताइए पहला राष्ट्रीय उद्यान भी बनता है कान्हा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? अब बताओगे टाइगर प्रोजेक्ट सर्वप्रथम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रारंभ किया गया। अब सन पूछेगा कि अभयारण्य कब बना, तो आप याद रखिएगा 1933 में। वहीं अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय उद्यान कब बना, आप बोलोगे सर 1955 में। वहीं अगर पूछेगा टाइगर प्रोजेक्ट कब चालू किया गया, तो 1973-74 के बीच में चालू किया गया। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा डेटा है, बहुत अच्छा है, आप इसको लिख लीजिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार में पेपर में पूछा गया किस अभयारण्य को अभयवन के नाम से जाना जाता था, तो याद रखिए अभयवन नाम से जाना जाता था किसे, तो आप बताओगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है ना, चलिए इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आगे देखिए अगला जो फैक्ट है इसमें, तो याद रखिएगा यहाँ पे बंजर और होली घाटी है। याद रखिएगा यहाँ की प्रमुख घाटी बंजर फेमस है, बंजर और होली घाटी, होले या होली मिलता है, बंजर या हेलो घाटी यहाँ की प्रमुख घाटियाँ हैं, फेमस हैं। दूसरा याद रखिएगा अमेरिका के सहयोग से यहाँ पे पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। कौन सी? आप बोलोगे सर पार्क इंटरप्रिटेशन, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। पेपर में पूछा गया कई बार किसके सहयोग से, तो आप याद रखिएगा यूएसए के सहयोग से। अगला फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, अगला फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना लोगो जारी किया, अपनी थीम जारी की, कौन सा? तो आप बोलोगे भूप सिंह दा बारह सिंघा। कौन सा? भूर सिंह दा बारह सिंघा। क्या था दोस्तों? भूर सिंह दा बारह, ठीक है ना, भूप सिंह दा बारह सिंघा। ये आपको याद रखना है। क्या स्लोगन चालू किया गया था दोस्तों? पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने आधिकारिक क्या किया था दोस्तों? अपना शुभंकर अपनाया था। अगर बात करते हैं इसके शुभंकर की डिजाइन किसने की थी, तो याद रखिएगा दोस्तों शुभंकर की अगर बात की जाए, शुभंकर ये दिया किसने था, तो याद रखिएगा रोहन चक्रवर्ती। किसने? भूप सिंह दा बारह सिंघा किसने दिया था, तो याद रखिएगा रोहन चक्रवर्ती के द्वारा क्या किया गया था? आप बोलोगे सर रोहन चक्रवर्ती के द्वारा भूर सिंह दा बारह सिंघा, ठीक है ना, ये स्लोगन दिया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दो नदियाँ फेमस हैं, कौन कौन सी? तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं, कौन कौन सी? एक है दोस्तों बंजर नदी, दूसरी कौन सी है? तो याद रखिएगा दूसरी है दोस्तों हेलान नदी। यहाँ इस
राष्ट्रीय उद्यान में दो नदियां प्रवाहित होती हैं, फेमस हैं, कौन कौन सी? याद रखें कि पेपर में कई बार पूछा है दोस्तों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन में था दोस्तों बंजर, ताप्ती, ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन में से। तो याद रखिएगा बंजर और हेलान नदी, बंजर और हेलान नदियां कहां प्रवाहित होती है, किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो आप बताओगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं अगर बात करोगे मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य भी है, मध्य प्रदेश में पहले टाइगर जो प्रोजेक्ट चलाया गया था इसी पे चलाया गया था। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की तो 940 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे बंजर और होली घाटी यहाँ की प्रमुख हैं। पार्क इंटरप्रेशन योजना चालू की चलाई जा रही है, किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से। भूर सिंह द बारह सिंघा एक स्लोगन किया गया था पहला, जो अपना शुभंकर जारी करता है, पहला आधिकारिक शुभंकर जारी करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। जिसको डिजाइन किसने किया था? तो रोहन चक्रवर्ती ने जिसको डिजाइन किया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में दो प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी? बंजर और हेलान। बंजर और हेलान नदी यहां प्रमुख नदियां हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। इतना क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, चलिए। अब दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव सर्वाधिक पाया जाता है, तो कान्हा किसके लिए फेमस है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? कान्हा किसके लिए फेमस है? आप बोलोगे बारह सिंघा के लिए, बारह सिंघा के लिए, बारह सिंघा के लिए फेमस है। बारह सिंघा के लिए फेमस है। कौन बारह सिंघा के लिए फेमस है? आप बताओगे सर बारह सिंघा के लिए फेमस है, बारह सिंघा के लिए फेमस है। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें पूछेगा किस प्रजाति का, कई बार पेपर पूछा गया किस प्रजाति का, तो आप बताओगे सर ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का। बारह सिंघा किस प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का बारह सिंघा यहाँ पे पाया जाता है। अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। कौन? तो याद रखिएगा बारह सिंघा, इसे ब्रेडरी प्रजाति। कई बार पूछा गया ब्रेडरी प्रजाति का कि किस प्रजाति का बारह सिंघा कान्हा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ब्रेडरी प्रजाति का। किस प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जितने क्वेश्चन बन सकते थे इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं और ना पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखिएगा इतने फैक्ट आपको शायद ही कहीं मिले, तो कान्हा में इतने फैक्ट हैं। इसी तरह अब हम स्टार्ट करेंगे, कल हमारे करीब करीब इनके सबके बारे में देख लेंगे। चूंकि आज हमको पूर्व का क्रम अच्छे से पढ़ना था, वीडियो चूंकि लंबी हो रही है, इसलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, या कुछ सुझाव हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल हमें लाइक करिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुँचाइए। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि मध्य प्रदेश में देखिए क्या किया जा रहा है। आपने इसे पढ़ा होगा, मामा जी का बयान, शिवराज सिंह चौहान जी का बयान है कि मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इसलिए मध्य प्रदेश जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश से जीके से ही प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास है दोस्तों। तो आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, और एक बार आपकी नोट्स बन गई, सिंगल क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं जाने वाला, बचेगा करंट अफेयर्स, वो आपको करवा दिया जाएगा। तो जल्दी से दोस्तों आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पुराने जो वीडियो हैं उनको भी देख लेना है, क्योंकि जब हमें जिले याद होंगे तभी हम चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। हमारे उधर नदियां मैप के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई गई हैं, मध्य प्रदेश का गठन इतिहास बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया गया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर विजिट करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।